नमस्कार दर्शक मित्रों, लोक सत्ता शो में आपनुं स्वागत छे। आ वखतनी दिवाळी आपणा सौ माटे खास रहेवानी छे, कारण के आ वखते गुजरात में चूंटणीनो माहोल छे अने पाछुं दिवाळी नजीक आवी रही छे। त्यारे आ दरमियान आपणा वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी द्वारा सहाय अने योजनाओना रूपे कंईक ने कंईक भेट आपवामां आवी रही छे, जेनाथी सामान्य जनता माटे खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे हवे आ स्थिति वच्चे केन्द्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना अंतर्गत खेडूतोना बैंक खातामां 16,000 करोड़ रुपया जमा करवामां आव्या छे अने आ योजना हेठळ दरेक खेडूतना बैंक खातामां दर वर्षे 6,000 रुपया जमा करवामां आवे छे, जेमां दरेक 4 महीने 2,000 रुपया जमा करवामां आव्या छे। एटले के एक प्रकारे कही शकाय के गुजरातमां चूंटणीनो माहोल अने दिवाळी पहेला केन्द्र सरकारे मास्टर स्ट्रोक खेल्यो छे, जेना विशे जो आपणे डिटेलमां वात करीए तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए दिल्हीमां पीएम किसान योजनाने ध्यानमां राखीने पीएम किसान सम्मान सम्मेलननुं आयोजन करवामां આવ્યું હતું, જેમાં મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પોતાના ભાષણમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે કોઈ પણ વચોટિયા વગર ખેડૂતોને સીધા તેમના બેંકના ખાતામાં પૈસા જમા કરવામાં આવ્યા છે અને હાલ પીએમ કિસાન યોજનાનો આ 12મો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, જેની કુલ રકમ આશરે 16,000 કરોડ રૂપિયા છે અને આ 12મા ઇન્સ્ટોલમેન્ટનો લાભ 11 કરોડ ખેડૂતોને મળવાની શક્યતા છે, જ્યારે અત્યાર સુધીમાં ખેડૂતોને આપેલી કુલ સહાયની રકમનો આંકડો 2.16 લાખ કરોડને પાર પહોંચી ગયો છે। જો કે સાથે જ मीडिया अहवालों मुजब एवं जाणवा मळी रह्यु छे के वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए आ कार्यक्रम में एवो दावो कर्यो हतो के ज्यारथी आ पीएम किसान योजना लॉन्च करवामां आवी छे त्यारथी अत्यार सुधी कुल 2 लाख करोड़ रूपिया खेडूतोना खातामां ट्रांसफर करवामां आव्या छे अने आ कार्यक्रममां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर अने मंत्री मनसुख मांडविया पण हाजर रह्या हता अने आ उपरांत आ कार्यक्रममां देशभरमांथी 13,500 ખેડૂતોને પણ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે। બીજી એક ખબર સાથે ફરી મળીશું। धन्यवाद।